ठीक पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिवॉल्वर लेकर भीतर चले जाने का मामला सामने आया। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें से 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे जनपद से आए 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित SP को पत्र भेजा गया। बस DSP कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के बाहर जनपदों से राजपत्रीय अधिकारी व अन्य पुलिस बल का नामवार ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रम में 45 मिनट पूर्व गौर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जटाशंकर शुक्ल, उनके छोटे भाई जितेंद्र पांडे पहुंचे, जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था। माननीय मुख्यमंत्री जी का VIP कार्यक्रम था। VIP के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहां पर ड्यूटी कर रहे CO साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया, उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम VIP के जनपद में लैंड होने से 45 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु 2 जगह फ्रिस्टिंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दृष्टया जांच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीरनगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित SPs को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होकर